15 अगस्त वाले दिन आपको लेके आए जी हम मानसी सिंगला के पास, और कई सालों से बना रही है जी छोले भटूरे। 15 अगस्त वाले दिन इन्होंने गरीबों को खाना फ्री में दिया जी, जो जरूरतमंद लोग होते हैं। ये सच है आपने आज जरूरतमंद लोगों को, जो गरीब लोगों को खाना खिलाया? जी भैया बिल्कुल सच है। अच्छा। आज मतलब जितने भी हमने ऐसे किसको बताया नहीं, बट जो नीडी हमें लग रहे थे, जो खाना चाहते थे, जो भूखे थे, हमने उन्हें जरूर फ्री में खाना। अच्छा, बुला बुला के जो आपको लगा। तो ये कौन सा एरिया, कहाँ खड़े हैं आप? सर हम 40 सेक्टर 45 सी सनातन धर्म मंदिर के जस्ट ऑपोजिट और SCO नंबर 72-73 के जस्ट। तो इतने शोर शराबे में आप कैसे हैंडल कर लेते हो? इतना शोर है और कैसे आप मैनेज करते हो, पूरा दिन कैसे निकालते हो? सर अब निकल जाता है, आदत पड़ गई। कितने साल हो गए आपको यहाँ? यहाँ पे 24 इयर्स, आज के दिन ही हमें कंप्लीट हुआ है 15 अगस्त को। 24 के तो आप नहीं है? नहीं नहीं, मतलब इस जगह पे हो गए ना, मुझे तो अभी आते टाइम में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो 3-4 साल हुआ जब। तो साथ में माता जी हैं? हाँ जी। अच्छा माता जी नमस्कार। पूरे ट्राई सिटी में नाम पूरा चमका रखा है, कैसा लगता है आपको? मैंने सुना है आपको प्राइज भी मिला। सर बेस्ट छोले भटूरे इन ट्राई सिटी हमें अवार्ड मिला था। वाओ, गुड गुड। वैसे मानसी वो कौन बनाता है फिर? वो ये मम्मी पापा मिलके मतलब बनाते हैं। और प्राइज किसने लिया? प्राइज मैंने लिया। अच्छा आप लेने गए थे, अच्छा चलो ठीक है। और मैंने देखा वाइंड अप हो रहा सारा कुछ, ये सब आपने पैक कर दिया। सर अब तो खत्म हो गया। ओहो, मेरे लायक कुछ नहीं, बड़ी जोरों से भूख लगी है। होगा तो भैया जरूर खिलाऊंगी। अच्छा अच्छा, थोड़ी चावल हैं। अच्छा जी चावल, चलो पड़ा है थोड़ा बहुत। और ये थोड़े से राजमा पड़े हैं, राजमा। और इसमें क्या है जी, बड़े पतीले में? सर ये तो खत्म हो गया बिल्कुल। नहीं नहीं, ओ पतीले के अंदर पतीला पड़ा। अच्छा ठीक है ठीक है। तो मैंने देखा अभी भी पीछे, अभी भी देखो जाते जाते भी लोग आ रहे हैं आपके पास, है ना। क्या खाना पसंद करते हैं, राजमा चावल की छोले भटूरे? छोले भटूरे जिसमें आपको प्राइज मिला है पूरे ट्राई सिटी में। और कर क्या रहे हैं, स्टडी क्या कर रहे हैं? मैं सर BCA फाइनल ईयर में। BCA फाइनल ईयर में कार्ट है आपकी, इसको कंटिन्यू करोगे की पढ़ाई के बाद जॉब कहीं करोगे? जॉब तो मैं करूंगी साथ साथ, अभी थोड़ा टाइम तो कार्ट और लग करेंगे अभी हम। अच्छा हाँ, तो आपने इतना लोग अपने यहाँ पे अपने स्वाद के दीवाने का रखे हैं। हाँ, अब तो मम्मी भी मैदान में उतर गए है ना, मम्मी हाँ पूरा टाइम देते हैं? हाँ जी, मम्मा सुबह से इवनिंग तक, मतलब इवनिंग तक पूरा, मतलब ये जिस टाइम पूरा पैक नहीं होता ये दोपहर तक, अभी तक है ना। तो फिर घर में कौन संभालता है, घर में कौन खाना बनाता है जी? है जी यही सामान जाता है, यही छोले भटूरे खाते हैं घर वाले भी? नहीं नहीं सर, इस यहाँ पे से जाने के बाद फिर से खाना बनता है घर में, दोबारा बनता है। हाँ, तो ये नहीं खाते आप अपना खुद का बनाया? थोड़ा बहुत, ये तो खत्म हो जाता है सर। अच्छा, बाय चांस कोई दिन हो गया कि एक आधी प्लेट तो वो हम खा लेते हैं। पापा है ना साथ में? हाँ जी। गुड गुड जी, गुड। ठीक है जी, मैंने देखा जी आप तो पूरा लगता है यहीं के छोले भटूरे खाते हैं आप भी, है ना। स्टडी भी क्लियर होने वाली है, फाइनल क्लियर हो गया। हाँ, तो इसके बाद फिर क्या करेंगे आप, मतलब पढ़ाई जॉब के लिए? बच्चे को पढ़ाया जाएगा जी। पढ़ाया जाएगा ना, चलो गुड, ये अच्छी सोच। मैं यही सुनना चाहता था मैं कि आगे पढ़ाई कंटिन्यू, बाकी ये तो आप चला ही रहे हैं ना? जी जी, ये तो चलता रहेगा, ये तो आप हैं, अब मैडम भी हैं। आपने क्या न्यू ऐड किया अपने इसमें कार्ट में? मैंने अभी न्यू कार्ट तो लस्सी किया ऐड। हाँ जी, लस्सी लस्सी, हाँ लस्सी की बहुत जरूरत है जी, है ना, गर्मियों में तो बहुत आजकल जैसे मीठी और नमकीन दोनों लस्सी ऐड करी है। हमारे यहाँ पर बिना प्याज लहसुन की सब्जी मिलती है। वाह जी वाह, ऐसे भी लोग आते हैं आपके पास? सर बहुत लोग आते हैं बिना प्याज लहसुन का खाना खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है। आप भी नहीं खाते? हम भी नहीं खाते। अच्छा वाओ, ये हमारे कृष्ण जी को भोग लगा कर फिर आता है। अच्छा, पहले आप लगाते हैं सुबह? हाँ जी। फर्स्ट भोग उनको लगता है? फर्स्ट भोग उनको लगता है, फिर यहाँ आया जाता है, फिर जो आपके जो कस्टमर है उनको भोग लगाया जाता है, फिर इस कार्ड को चालू किया जाता है। बहुत अच्छी सोच है जी, बहुत बढ़िया सोच है। बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं आपको, बहुत मतलब हमारी पूरी मार्केट में वो भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, या लोग भी जो आते हैं कस्टमर भी आता है वो भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं हमें। तो मानसी ये जैसे आजकल बरसातें हो रही है तो आप कैसे हैंडल करते हैं यहाँ पे? ये हम तरपाल सुबह सुबह जैसे बारिश होती है हम सुबह आके पहले बांध जाते हैं, अपनी कार्ट ले आते हैं। तो कितने बजे शुरू करते हो आप ये? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे शुरू करते हैं, मॉर्निंग सब कुछ फ्रेश रेडी होता है। अच्छा, आप वाइंड अप है ना सारा, पीछे तरपाल निकल गया? हाँ जी सर, क्योंकि अब घर जा रहे हैं तो निकाल। अच्छा अच्छा, तो सुबह फिर सुबह 4 बजे उठोगे आप सारे? सारे 4 बजे उठ जाते हैं। अच्छा गुड गुड, बहुत अच्छा लगा जी। आप भी मैंने देखा सभी पूरे वाइंड अप कर रहे हैं, तो मैं भी फटाफट वाइंड अप करता हूँ। आप ये फटाफट बता दें कि आगे ड्रीम क्या आपका? मेरा ड्रीम अच्छा एक वेल सेटल्ड करियर हो, सबका आज के लिए कि अच्छा हो, कि मैं तो मम्मी पापा की मतलब कर पाऊँ कुछ, कि उन लोगों ने पूरी लाइफ कार्ड पे निकाल दी है ना, पूरी लाइफ में तो सुबह 4 बजे उठ के रात के 10 बजे तक कंटिन्यूस काम करना इट्स नॉट ईजी, बहुत मुश्किल है जी, बहुत ज्यादा मुश्किल है। सुबह से शाम तक पहले यहाँ पे खड़े रहना, तो खड़े रहने में हाथ दर्द खराब हो जाता है। आपने कितने कौन से कॉलेज से किया जी अपना ग्रेजुएशन? मैं देशमाज कॉलेज फॉर वुमेन 45। गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके और मिलके, और आपने जैसे हमें बड़ा कीमती समय दिया जाते जाते वाइंड अप करते करते।